Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Good morning, everyone. Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. India's number one online education channel, plus a part of An Academy. तो guys, आज की class यहाँ पे start करते हैं 2018 और 2019 के बीच में जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं. इनफैक्ट जो अभी लास्ट ALP वगैरह का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एज एन वन लाइनर मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ. वन लाइनर कराने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी, क्वेश्चन के लेवल समझ आएगा कि रेलवे ने जब पिछली बार, देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि रेलवे का लेवल यही रहेगा. दो साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, 2018 से 2020 में पेपर होगा तो लेवल थोड़ा बहुत प्लस आएगा, क्योंकि लेवल आप देखोगे कि जो सबसे पहले RPF SI कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से जब अभी लास्ट ALP का भी जो एग्ज़ाम हुआ है या JEE का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी लेवल थोड़ा प्लस था, डिफरेंस था. तो जब NTPC या ग्रुप डी दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम होगा, जब होगा तो लेवल थोड़ा बहुत आपका प्लस ही रहेगा. उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा. बस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या उन्होंने आपसे क्वेश्चंस में इंक्लूड किया, एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीटली करा रही हूँ, ठीक है. दूसरा चीज़, YouTube की क्लासेस के अलावा प्लस की क्लासेस जो हैं उस पर भी आप ज्वाइन करने के लिए वाईफाई टेस्ट जो है ना उसको कोड लगा के आप रेलवे की सारी क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो. तो कैसे परचेज करना है ये सारी चीज़ें, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाके आप रेलवे का कोर्स लेके वाईफाई टेस्ट जो है ना उसको आप एक्सेस कर लीजिए, ठीक है. क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे सीधा. काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब मैं सिर्फ आपको सीधा सा क्वेश्चंस पे आती हूँ कि वन लाइनर में क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट कराई जाती है, हम उन चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² करके, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही आता है कि अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर आपने मास बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटा दिया तो क्या होगा, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. कि दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि इन काइनेटिक एनर्जी को भी मैं लिख लूं आगे, गतिज ऊर्जा, इनमें से आपकी तीन वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, इन तीन में से कोई भी आपको दो वैल्यू दी होती हैं और एक वैल्यू जो है ना वो आपको यहाँ पे पता लगानी होती है. तो ½ mv² करके आप लोग याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका ½ mv² करके. जिन चीज़ों में, और यहाँ पे एक चीज़ और, अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आइडिया लगे कि ये क्वेश्चन जो है ना ये किसके हिसाब से है, मतलब किसके हिसाब से बोला, तो कि ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से है या काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से है, तो सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है. पहला है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी दी है तो क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और अगर हाइट दी है किसी चीज़ की तो वो पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो हमारी स्थिज ऊर्जा है रखी हुई, जैसे कि ठहरा हुआ पानी और खींचा हुआ तीर, ये सारा क्या है कि एनर्जी रुकी हुई है ना, हमने होल्ड करके रखा है, तो वो हाइट के हिसाब से उसको अपन मार्क करते हैं. याद रहेगा फॉर्मूले, ये दोनों याद है आप लोगों को. फोर्स गिवन इज इक्वल टू जैसे किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको फोर्स जो है ना वो 350 न्यूटन दिया है, ठीक है, फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. आपको 70 kg का मास दिया है और एक्सेलरेशन जो है वो आपको दिया है, त्वरण जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसको हम मल्टी डिवाइड करते हैं तो 7×5 = 35. आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कितनी होगी, 5 m/s² न्यूमेरिकल. अगर इससे ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा ज़्यादा आपको kg की वैल्यू चेंज कर दी या दो न्यूमेरिकल्स के साथ एक दो फॉर्मूले बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे दिया है ना, जैसे फोर्स इंटू मार्क्स इन मास इंटू एक्सेलरेशन है, मान लीजिए कि फिर इसमें मोमेंटम निकालने को भी बोल दिया तो आपको एक वेलोसिटी और ऐड कर देंगे, है ना, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा. तो सिंपल रहेंगे लेकिन पेपर के प्रेशर की वजह से वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो उस लेवल पे मत जाइए. आप सिंपल चीजों को ना न्यूमेरिकल्स वाइज रिवाइज करिए ना. नेक्स्ट देखिए, नेम द नॉन मेटल विच इज एल्कलाई इन नेचर.
ऐसा आपको नॉन मेटल बताना है जिसका नेचर जो है ना वो एल्कलाई होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं कि नॉन मेटल और एल्कलाई. क्या सारे नॉन मेटल एल्कलाई नहीं होते? तो बिल्कुल नहीं होते. नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, मैक्सिमम आपके एसिडिक ही होते हैं. और अगर मैं एल्कलाई की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो एल्कलाई जो है ना वो क्षारीय धातु के लिए यहाँ पे बोला जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन हमारा अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाता है. जब भी हाइड्रोजन H प्लस आयन बना रहा है तो वो किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, याद रखिएगा. ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट? तो एसिटाइलिन और इथाइलिन करके याद रखिएगा. फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एसिटाइलिन और इथाइलिन करके याद रखना है. ठीक है, एक्टिनॉइड में टोटल कितने तत्व होते हैं? तो ये हम एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं. आपको एक्टिनॉइड या लेंथेनॉइड्स अगर पूछा जाए कि एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में टोटल मिला के कितने तत्व होते हैं, तो 28 आंसर करिएगा. अगर ऑप्शन में 28 नहीं दिया हो तो आंसर आपका 30 आएगा. इस चीज को प्लीज कंफ्यूजन नहीं करिएगा. एनसीईआरटी या कई जो हमारे जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं कि लेंथेनियम और एक्टेनियम को भी गिनते हैं. ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये चीज़ पीरियोडिक टेबल की जब रखी जाती है या इसको बनाया जाता है तो क्या लेंथेनियम एक्टेनियम उधर है और उसके बाद वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या पूरी टेबल का पहला एलिमेंट ही लेंथेनियम है? तो ज़रा आप ऑप्शन को देख के, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन में आपको 28 और 30 दोनों दिए हों या 14 और 15 दोनों दिए हों, है ना. 14 एक्टेनॉइड के, 14 लेंथेनॉइड्स के. अगर एक्टेनियम को मिला दिया तो 15 हो गए, लेंथेनियम को मिला दिया तो 15 30 हो गए. तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिखा क्या है. जैसे मैंने आपको बोला है ना, कई बार ये मैंने बोली है, ये आइंस्टीन की ही कोटेशन है. साइंस में हर चीज़ को, हर गलत चीज़ को ना सही सिद्ध किया जा सकता है और सही हर सही चीज़ को गलत सिद्ध किया जा सकता है. एक चीज़ जो एक चीज़ के लिए वैलिड है वो दूसरी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है. जैसे ह्यूमन बॉडी है, मेरा ब्लड प्रेशर मैंने बोला 120/80 है ही नहीं, जबकि स्टैंडर्ड 120/80 है. तो ये हो सकता है कि एक पर्सन का ब्लड प्रेशर उसकी पूरी ज़िंदगी में कभी 120/80 ना आए. जैसे कईयों का ब्लड प्रेशर है जो हमेशा लो ही रहता है, तो वो कभी 120/80 आएगा ही नहीं, वो कभी 118, 115, 110 या 78, 76 पे रह जाएगा. तो ये चीज़ें जो हैं, या कभी बढ़ भी जाएगा. तो साइंस में जो हमारे पास ये फैक्ट्स या नंबर्स होते हैं ना, इनको प्रूव किया जा सकता है गलत और सही. तो इसीलिए आप जब क्वेश्चन में साइंस के जब क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो न्यूमेरिकल्स के अलावा हर चीज़ को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके रखो. एक्टिनॉइड्स, और अब ये समझ आ गया, एक्टेनियम को इंक्लूड किया तो 15, एक्टिनॉइड को किया तो 14. हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स? तो ये मैंने आपको कल ही बताया ना, चैम्बर हार्ट में चिड़िया जो होती है उसके कितने होते हैं, 4 करके याद रखिएगा. अब एक्सेप्शन देखो, यहाँ पे भी है 3 जो है ना, वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3. लेकिन जैसे ही आप क्रोकोडाइल की बात कर लो तो 4 हो गया. तो यहाँ पे ये नहीं है कि फिक्स ही है कि 4 होने हैं या 3 जो होने हैं ना वो 3 ही होने हैं. यहाँ पे क्या होते हैं कि बॉडी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ें जो है ना वो चेंज होती जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ डिवाइस ड्रॉस 0.6 एम्पियर करंट, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज इट विल कंज्यूम? क्यू इज इक्वल टू आई टी का आप फॉर्मूला लगा दीजिए. चार्ज के लिए पूछा है, चार्ज अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. आई करंट जो है वो 0.6 हो गया. कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए. टी हो गया यहाँ पे. अब सेकेंड में कन्वर्ट करना है नहीं करना है ये आप देख लीजिए आंसर्स में क्या दिया है, उन्होंने कन्वर्ट करके दिया है या नहीं दिया है सेकेंड में. अदरवाइज 0.6 में आपका 6 जो है ना वो कूलम करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, बाकी क्वेश्चन में क्या दिया है ये भी याद रखना है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, एक सेकेंड, ये वाला चार्ज ऑन डीएनए. तो क्या होता है, डीएनए के ऊपर जो हम चार्ज लगाते हैं, अगर मैं हम नॉर्मली क्या करते हैं, डीएनए का आपको चार्ज बताना है. हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसका टोटल चार्ज कितना है? तो या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा. 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे. हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए जो है ना वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है. किस चीज़ का बना हुआ है? शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है उसका बना हुआ है. और साथ में मेरे पास यहाँ पे राइबोस शुगर जो
हैं वो मौजूद होती हैं, शुगर के लिए हम राइबो शुगर बोलते हैं, और चार बेस पेयर होते हैं, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब एक चीज याद रखिएगा, इन चारों चीजों में, मतलब शुगर हो गया, राइबोसोम हो गया, ये चार बेस पेयर हो गए, फॉस्फेट हो गया और वो स्ट्रैंड हो गया, इन सब में ना आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। इसीलिए डीएनए जो है ना उसका चार्ज क्या हो जाता है, वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसमें एक और चीज आपको आएगी कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इस डीएनए को क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इस डीएनए को क्या कर दिया, यहाँ पे रैप किया, मतलब डीएनए को लपेटा ताकि वो क्रोमोसोम बन जाए, तो वो किस चीज में लपेटना पड़ेगा हमें, हिस्टोन में। हिस्टोन हमारी क्या होती है, वो होती है एक तरीके की प्रोटीन, और ये क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी डीएनए के ऊपर पूछा है तो कभी हिस्टोन के ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज करके आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम, तो टाइलिन और आइसोजाइमेज करके आप याद रखिएगा, सलाइवा के अंदर टाइलिन और आइसोजाइमेज जो है ना वो मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, हमारे ह्यूमन बींग के अंदर कितने तरीके के दांत होते हैं, तो चार तरीके के, कौन से, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। शुरुआत इंसीजर से होती है, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर। 2, 1, 2, 3 फॉर्मूला होता है, मोलर तीन होते हैं, दो प्री मोलर होते हैं, एक कैनाइन होता है और दो इंसीजर्स, ये तीन के नंबर में वेरी करता है, राइट। मैक्सिमम लोगों की अकल दांत जो होती है, विजडम टीथ जो होता है, यानी कि तीसरा जो मोलर है, थर्ड जो मोलर टीथ है, वो मैक्सिमम टाइम का भी निकल के ही नहीं आता, यानी कि अकल दांत जो है ना वो निकलती ही नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं निकलती कभी कभी तो। वैसे ये ना निकले तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पहली बात तो ये निकलती है बहुत एज के बाद, कभी कभी 20, 21, 28 साल पे निकलेगी, कभी 35 ईयर्स, और जब निकलती है ना तो ये भयंकर पेन करती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरा ये जो पार्ट है, ये मुंह वाला जो हिस्सा है वो सूज जाता है, और अकल दाढ़ होने से अकल नहीं आती है ना, ये वाली, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है ना, तो अकल दाढ़ आने से अकल आएगी ही आएगी, ये कंपलसरी नहीं है, या नहीं है अकल दाढ़ तो दिमाग तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, है ना, मतलब अकल आएगा ही आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिर्फ दांत के कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। 2, 1, 2, 3 करके याद रखिए, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स, राइट। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ करके अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बोन्स इन बोथ नीज, घुटने में मिला के टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये अलग से क्वेश्चन आपको क्यों पूछा हुआ है, ये पहले तो ये देखो, नीज के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसलिए पूछा है कि अगर हम हाथ की बात करते हैं ना, तो हाथ में हमारे कोहनी पे कोई अलग से हड्डी नहीं होती है, वो आपका हाथ का जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है वो मिला के आपकी बोन्स बोली जाती है, लेकिन पैर के अंदर ना, घुटने के अंदर हमारी अलग से एक हड्डी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटेला, और ये दोनों पैरों में एक एक हड्डी, तो दो करके आपका डिफाइन किया जाता है। मनुष्यों में ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब करके याद रखिएगा। जब भी एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म एंटर करेंगे, तो अगर एग फेलोपियन ट्यूब में है तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से, राइट। लार्जेस्ट ऑर्गन, फिर से वही क्वेश्चन, लिवर। अब इसमें स्किन ऑप्शन में हो तो स्किन आप आंसर करिए, लिवर ऑप्शन में हो तो लिवर आंसर करिए, कोई भी एक ही चीज ऑप्शन में होगी। ऑक्टेव लॉ किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। 56 टोटल एलिमेंट थे, जिसमें पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट क्या, थोरियम करके यहाँ पे याद रखना है ना। कन्वेक्स लेंस जो है वो, ये अलग सा क्वेश्चन आया है आपको, कन्वेक्स लेंस के यूज, कनकेव लेंस के यूज, मेरे ख्याल नीरज सर ने बहुत अच्छे से कराए हैं आपको, तो एक बार अच्छे से उन्होंने शायद कुछ ट्रिक बना के बताया ना, इसको अच्छे से उनसे रिवाइज कर लीजिए आप। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ऐसे करके आप याद रखिए, यहाँ पे आपके लेंसेज वगैरह जो है उनको, इन चारों के ही यूजेस आपको पूछे जाएंगे। तो तरीके से, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, इनमें से कौन सा मेल हार्मोन है, तो चार हार्मोन आपको दिए होंगे, जिसमें से तीन हार्मोन फीमेल हार्मोन के होंगे, चौथा हार्मोन आपको पूछा आएगा कौन सा है, तो ऑप्शन में या तो आपको टेस्टोस्टेरोन मेंशन होगा या एंड्रोजन मेंशन होगा, दोनों में से कुछ भी एक जो मेंशन हो उसके लिए आप याद रखिए कि वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन मेल हार्मोन होते हैं, लेकिन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, HCG
और रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन फीमेल हार्मोन बोले जाते हैं ना. फीमेल इज ऑलवेज मतलब डोमिनेटिंग, मुझे लगता है ना हार्मोन में भी फीमेल इज डोमिनेटिंग. लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन का पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का प्रभाव या जड़त्व का नियम भी बोला जाता है. जड़त्व का नियम या इनर्शिया का लॉ क्या होता है कि हर वस्तु अपनी जो वास्तविक जो उसकी पोजीशन है कि अगर वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करता है. ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ. रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज डन बाय, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन जो है ना वो कैसे होता है, तो बडिंग आप याद रखिएगा. हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बडिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिंगल पेरेंट जो है ना उसको इन्वॉल्व किया जाता है या सिंगल पेरेंट ही अपनी प्रोजिनी को बढ़ाने की क्षमता रखता है. तो हाइड्रा बडिंग, अमीबा बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, स्पोरोजॉइट्स या स्पोर्स जो है वो बनाए जाते हैं ठीक है बडिंग के द्वारा, है ना. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, पानी की परसेंटेज वाटर में कितनी, पानी की परसेंटेज प्लाज्मा में कितनी होती है. अब ये प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा क्या होता है, हमारा ब्लड के कॉम्पोजिशन. हमारा ब्लड दो चीज़ों के मिलके बनता है, एक प्लाज्मा और दूसरा यहाँ पे प्लेटलेट्स. ठीक है, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स में क्या है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज. ठीक है, अब ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट जो होता है उसके लिए बोलते हैं, और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो सॉलिड पार्ट के लिए बोला जाता है. तो प्लाज्मा में 90-92% जो है ना वो वाटर की परसेंटेज होती है. ठीक है, एलिमेंट ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल उनको क्या बोला जाता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है. लेफ्ट साइड में क्या होंगे आपके, लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में हमारी क्या होती है मेटलॉइड्स, है ना. तो लेफ्ट पूछा है तो आपको लिखना है मेटल, राइट पूछा है तो आपको लिखना है क्या, नॉन मेटल्स करके. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो एस ब्लॉक की अगर हम बात करें और एस ब्लॉक में मैं सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड कर देती हूँ, तो छः तो पूरा वो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, सात ही हो गए. उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम, 13. अब हीलियम को देखो, हीलियम की हम बात करें तो हीलियम 1s2 फिल किया जाता है, राइट. तो ये होना चाहिए हमारा एस ब्लॉक के अंदर ही, है ना, हीलियम एस ब्लॉक में इंक्लूड किया जाता है. तो अगर ये ऑप्शन में कभी 13 नहीं देके 14 होगा तो 14 भी करेक्ट आंसर होगा. अब फिर से वही वाली बात है, कई बुक्स कई ऑथर जो है हीलियम को एस ब्लॉक के अंदर मानते हैं क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है बस इतनी, 1s2 एस ब्लॉक में ही आएगा ये एलिमेंट. लेकिन कई जो है क्योंकि वो हेलोजन है नॉन मेटल है और वो वहाँ पे है तो वो उसको मानते हैं डी ब्लॉक के अंदर ही. ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर ही. तो आप वैसे तो हीलियम को इंक्लूड करना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है तो 14 हो जाता है. अदरवाइज आपको पीरियोडिक टेबल में एस में कितने हैं उस तरफ कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं तब आपको 13, ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा प्लीज. कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो किसका बना हुआ है, तो कॉपर एंड टिन आप याद रखिएगा. ब्रॉन्ज जो है इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, अब ये एलॉयज और ओर्स अच्छे से करने हैं. एलॉयज और ओर्स, ओर्स जहाँ से हम एलिमेंट को निकालते हैं. मेरे पास अगर मान लीजिए U3O8 है, पिच ब्लेंड है, तो मुझे क्या निकलेगा, उधर से क्या निकालना पड़ेगा, यूरेनियम में इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. मेरे पास अगर ब्रॉन्ज है तो कॉपर और टिन जो है उसको हम ऐड करेंगे. तो मतलब कॉपर और टिन दो चीज़ें हैं, उनको हम प्रॉपर जो कॉम्पोजिशन है उसमें ऐड करते हैं तो मेरे पास ब्रॉन्ज हो जाएगा. तो ये क्या होते हैं, मिश्रण या अलॉय इनको बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बोटैनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, तो ग्लाइसिन मैक्स करके याद रखिएगा, बहुत कॉमन है. सोयाबीन का बोटैनिकल नेम इसलिए क्योंकि सोयाबीन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो बोली जाती है क्रॉपिंग, क्योंकि इसमें प्रोटीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है. 36 ग्राम प्रोटीन जो है वो 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन ले रहे हो तो उसमें हो जाती है. ये नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियंस का नॉन वेजी या वेजिटेरियन का प्रोटीन सोर्स है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है ना वो इसमें ही पाई जाती है. अच्छा, 1 curie इज इक्विवेलेंट टू, तो बेकरल यूनिट से इसको काउंट किया जाता है, हेनरी बेकरल के नाम पे ही है ये. 3.7 × 10⁻¹⁰. ये क्वेश्चन अलग सा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड किया गया था. तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बीच में कभी आ जाते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि वैल्यूज़ वगैरह अपने को नहीं पता फिर भी. तो एक बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो 500-600 ये क्वेश्चन है ना वन लाइनर जो हैं उनमें आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे
जो शायद आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो उनको जरा अच्छे से मार्क करके रखिएगा. 3.7 × 10⁻⁷ बेकरेल. प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जितने भी बायो के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर आपकी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं, विटामिन किसने किया, फैट किसने किया, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू, या जितनी भी डिस्कवरीज हैं किसने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, किसने किसको इन्वेंट किया, डिस्कवरी किससे रिलेटेड है, एक्सरे, गामा रेज, पॉल विलार्ड और ये सारा, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज. तो खोज से एक क्वेश्चन ग्रुप डी में तो पक्का ही आता है. बाकी डिस्कवरी और इन्वेंशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पक्का आता है. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा. दूसरा चीज़, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गए किस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं. नाउ द पॉइंट इज दिस कि आपको मैं यहाँ पे 500 प्लस कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे ही वन लाइनर. अभी आपने चार क्लासेस तो कर लिए हैं, तो 25-25 क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिले हैं ना, तो 100 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए. अब उसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चन आपको अपलोड हो वो ऐसे वन लाइनर में ही अपलोड होंगे. तो कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन आंसरिंग देम, कीप ऑन जस्ट एनालाइजिंग देम. अब ये आपका, देखो मैंने आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी है, अच्छे से पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी है ना, 2-3 बार करा दी है, ग्रुप डी में भी कर दी है और उसमें भी कर दी है, मतलब एनटीपीसी की इस क्लास में भी हो चुकी है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ संडे की क्लासेस लेके, या वैसे भी कई सारे अपन ने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लिए हैं वीकेंड्स के क्लासेस लेके. बची थी ये 2018 और 19 के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपको देने थे या कराने थे, तो वाला पार्ट भी आज आपका कंप्लीट हो गया. राइट, तो अब अच्छे से तैयारी करिए, चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करके रखिए, कहीं पे भी कोई गैप नहीं छोड़िएगा. देखिए अगर किसी बिल्डिंग में थोड़ी सी भी गैप रह जाती है ना, तो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाती है ना. वही वाला पॉइंट रखिएगा, हर चीज़ को कवर करिए. जितनी भी पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए हैं उन्हीं को दोबारा जाके आप रिवाइज करिए. एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. रेलवे कब कराती है एग्ज़ाम, क्या कराती है कंडक्ट, वो अपना बाद में डिसाइड करेंगे. ठीक है, अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय.